तो बाबा हमें, मैं कौन, मेरा कौन, या मैं किसका, और मेरा लक्ष्य क्या है, और मुझे क्या करना है, ये चार बातें बाबा हमें समझाते हैं। दुनिया में हम इन चार बातों को उल्टे रूप से समझकर चलते हैं, इसी कारण हमारे जीवन में इतना दुख और अशांति है। तो बाबा कहते हैं, सबसे पहले तुम मैं कौन में क्या समझते हो, कि स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान, है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, माता, पिता, जो भी तुम अपने आप को समझ कर चलते हो। अब उस आधार से जो कर्म करते हो, कोई भी आत्मा जब रोल कॉन्शियस होती है, बॉडी कॉन्शियस होती है, तो उस बॉडी कॉन्शियस के आधार से वो तो यही समझती है ना कि मैं राइट कर्म कर रही हूँ। जैसे मानो मैं समझती हूँ कि मैं बॉस हूँ, तो बॉस गुस्सा कर रहा है, रॉन्ग थोड़ी कर रहा है ना, तो मैं अपने रोल के हिसाब से राइट कर्म कर रही हूँ। तो जब मैं सोचती हूँ मैं बॉस हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं राइट कर रही हूँ। लेकिन वो जो राइट है, वो मुझे राइट रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि गुस्सा करते करते मेरा बीपी बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता कि मैं बॉस हूँ तो मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो ये राइट होता कि रोल के हिसाब से हर आत्मा का धर्म अलग होता, देह के धर्म वास्तविक में धर्म होता, तो फिर शरीर की जो हेल्थ है वो उस आधार से चलती कि जूनियर गुस्सा करता तो उसका बीपी बढ़ता, बॉस गुस्सा करता तो उसका बीपी नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके लिए तो वो राइट है ना। लेकिन कर्म की गति ऐसे काम नहीं करती। तो चाहे मैं किसी भी रोल में हूँ, अगर मैं अपने स्वधर्म के खिलाफ जा रही हूँ, मैं अपने आप को चाहे बॉस समझ के गुस्सा करूँ, चाहे माता समझ के चिंता करूँ, जो नुकसान मुझे होना है शरीर को, मन की स्थिति को, संस्कारों को, वो होता ही है। क्योंकि ये जिनको हम सत्य समझ कर आज तक चल रहे थे, वो सत्य नहीं है। सत्य ये है, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है वो है मेरे सात गुण। और जब भी मैं कोई भी संकल्प, बोल, कर्म अपने इन सात गुणों के विपरीत अवस्था में करूँगी, तो मेरा कल्याण नहीं होगा, अकल्याण होगा। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए मैं कौन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बात का जब हम उल्टा उत्तर ले लेते हैं, है ना, जैसे कई बार कहेंगे कि अगर आत्मा पुरुष चोले में है तो वो बोले, लेकिन स्त्री चोले में है तो चुप रहे, है ना। लेकिन पुरुष चोले में रहते हुए बोलने वाला और स्त्री चोले में रहते हुए चुप रहने वाला, है ना, दोनों आत्मा का क्या हाल हो रहा है आज, है ना। अगर आत्मा को लगता है कि मेरे पे ज्यादती हो रही है या मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, तो भले ही वो अपना स्त्री धर्म तो निभा रही है, लेकिन अंत में जीवन में डिप्रेशन और ट्रॉमा और सब कुछ हो रहा है। तो यदि स्त्री धर्म के हिसाब से राइट चल रहे हैं, तो फिर दुख क्यों हो रहा है ना, फिर इतनी अशांति क्यों है। तो वास्तव में जब हम बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस होकर चलते हैं, तो हमें मोरालिटी, देखो आज बहुत अच्छे से इस बात को समझना, दुनिया में मोरालिटी जो होती है, जो जिसके जो शास्त्रों में बताया गया, जो रिवाजी है ना सोसाइटी में चला आता है,
उस आधार से हमें क्या करना है, वही जो चार बातें हैं ना, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, या मेरा लक्ष्य क्या है, या मुझे क्या करना है, ये मोरालिटी भी हमें बताती है। जैसे कहेंगे मैं स्त्री हूँ तो मेरा, मैं किसकी हूँ, मैं पति की हूँ, बच्चों की हूँ, है ना, और फिर मुझे क्या करना है, उनका ख्याल रखना है, और फिर मेरा मुझे कैसे करना है, तो जो उनको पसंद है वही करना है। लेकिन ये सारी बातें करते हुए भी मानो एक स्त्री चोले में एक आत्मा अपना पूरा धर्म निभा रही है ना, जैसा पति को चाहिए, बच्चे को चाहिए, उस रूप से भी चल रही है। तो मोरालिटी के हिसाब से देखें तो उसका कर्म बिल्कुल एक्यूरेट है ना, उसको जैसा बताया गया है, जैसा सिखाया गया है, वैसा वो कर रही है। तो उस आत्मा को तो सब कुछ राइट करने के बदले में क्या मिलना चाहिए, हाँ, अगले जन्म में मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख शांति सब मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। इस जन्म में भी दुखी रहते हैं, दुखी होकर मरते भी हैं, भले ही कभी कभी मुख से, क्योंकि मोरालिटी जो होती है उसमें भावना पूरी होती है ना, तो कहेंगे हमने तो अपनी जिम्मेवारियां सारी पूरी कर दी है ना, लेकिन फिर भी तन मन धन संबंध का सुख नहीं मिलता, क्योंकि यथार्थ कर्म की गति के अनुसार कर्म नहीं हो रहा है, सत्य के अनुसार कर्म नहीं हो रहा है। हाँ, ये अपनी भावना पूरी कर रहे हैं कि जो समझते हैं वैसा ही कर रहे हैं, तो उस आधार से कभी कभी कहेंगे कि हमें जीवन में बहुत शांति है कि हमारी जो भी जिम्मेवारियां थी हमने पूरी कर ली, लेकिन फिर अगर इतनी पूरी कर ली तो दवाइयां क्यों खानी पड़ रही हैं एंग्जाइटी की, या क्यों हेल्थ चेकअप के लिए जाना पड़ रहा है, या क्यों धीरे धीरे जो है ना दुनिया है वो दुर्गति की तरफ क्यों बढ़ रही है, अगर हर व्यक्ति अपनी जो लिमिटेड जिम्मेवारी है वो पूरी कर ही रहा है। आज दुनिया में ऐसा कौन नहीं है जो अपनी मोरालिटी के हिसाब से जिम्मेवारी पूरी कर रहा है, सब कर ही रहे हैं ना, या नहीं कर रहे हैं ना, आर्मी वाले भी जान दे ही रहे हैं, माताएं भी खूब चिंता कर ही रही हैं, है ना, पिता भी खूब बोझ उठा के चल ही रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी कलयुग घोर कलयुग क्यों बनता जा रहा है, हर व्यक्ति अपना धर्म निभा रहा है तो फिर इस दुनिया में अधर्म का राज क्यों बढ़ रहा है, या इतनी दुख अशांति क्यों बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं कि जो तुम्हें सिखाया गया है, जो तुम्हें लगता है कि सत्य है, उस आधार से तो तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो जो सत्य तुम्हें बताया गया है वो वास्तव में सत्य नहीं है। इसीलिए शिव बाबा जब आते हैं तो हमें क्या समझाते हैं, तुम देह और देह के धर्मों संबंधों को भूलो, समझो कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म क्या है, मैं सात गुणों से बनी हूँ, है ना। और बाबा कहते हैं अभी तुम्हें जब सात गुण भी बताऊँगा ना तो तुम्हें समझ नहीं आएगा सात गुण क्या है ना, क्योंकि मैं तुम्हें कहूँगा प्यार से चलो तो तुम मोह में चलोगे क्योंकि तुम्हें प्यार पता ही नहीं है ना, मैं तुम्हें कहूँगा पवित्रता, तुम्हें क्या पवित्रता, पवित्रता क्या होती है पता ही नहीं है ना, 10 दिन पवित्रता पवित्रता सुनते हैं तो दिमाग में दर्द हो जाता है कि क्या पवित्रता है, रोज़ रोज़ कह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अभी जो तुम्हें सात गुणों पर चलने की भी श्रीमत देता हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसीलिए तुम अभी क्या करो, तुम्हें जो मैं कहता हूँ वैसा करो, क्योंकि तुम्हें अभी ये सात गुण भी मालूम नहीं है, इनको भी समझने के लिए, सच्ची शांति क्या है, सच्ची पवित्रता क्या है, सच्चा स्नेह क्या है, उसके लिए भी तुम्हें मेरी मत और मेरी याद चाहिए, क्योंकि मेरी याद से तुम पर रंग चढ़ेगा, मैं एक्चुअली सागर हूँ, तो मुझे जितना याद करोगे तुम्हें पवित्रता का रंग चढ़ेगा, तुम्हें शांति का रंग चढ़ेगा, प्रेम का रंग चढ़ेगा, और मेरी मुरली सुनो तो तुम्हें समझ आएगा कि सत्य क्या है, पवित्रता क्या है, शांति क्या है, प्रेम क्या है, शक्ति क्या है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तुम देह देह के धर्मों संबंधों को छोड़ो, क्योंकि वो जो देह के धर्म संबंध हैं उनके आधार से तुम चलते चलते
सब कुछ रॉन्ग करते आए और राइट समझते आए, है ना। आज भी जैसे बाबा ने वरदान में क्या कहा, वरदान में बाबा ने कहा कि जब हम आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्मृति के सिवाय किसी और कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमारे जो विभिन्न भाव स्वभाव इमर्ज होते हैं, है ना। जैसे मैं इस चेतना में हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो फिर किसी और धर्म वाले को देखेंगे तो फिर अलग भाव स्वभाव इमर्ज होंगे। या क्योंकि हमेशा जब हम किसी भी देह भान में हैं तो देह भान में हमेशा मेरे जैसा और मेरे से अलग दो कैटेगरी होंगे, है ना। और जो मेरे जैसा है उसके प्रति तो अपनेपन की भावना होगी, और जो मेरे जैसा नहीं है उसके प्रति जो है वो दुर्भावना उत्पन्न होती है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद है, कौन पसंद है हमें जो हमारे जैसा है, और कौन ना पसंद है जो हमारे जैसा नहीं है, है ना। जो रोज़ लेट जाता है उसको जो जल्दी आ जाता है वो पसंद नहीं है, है ना, क्योंकि ये आ जाता है इसीलिए सारा कल्चर ख़राब हो रहा है, नहीं तो सब लेट आते तो लेट शुरू होता। तो हमारे जो पसंद नापसंद है वो सारे किस आधार से है कि हम जैसे स्वयं हैं जिन गुणों, जिन संस्कारों, जिन लेबल्स के साथ हम अपने आप को समरस रखते हैं, हमें लगता है हम ये हैं, तो हमारे जैसे जो हैं उनके प्रति हमारी भावना जो है वो स्नेह की, सम्मान की, एक्सेप्टेंस की होती है, और जो हमारे से थोड़े अलग हैं उनके प्रति हमारी दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए मैं स्त्री हूँ तो मुझे कौन अच्छे लगेंगे, स्त्रियाँ अच्छे लगेंगे, है ना, और पुरुषों से फिर मुझे लगेगा ये थोड़े गलत हैं, है ना, ये ठीक नहीं चलते, इनके कारण सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर कोई पुरुष चोले में कहते स्त्रियों के कारण सारी प्रॉब्लम है दुनिया में, तो हमेशा हम दूसरे जो हमारे से विपरीत हैं उनको दोषी ठहराते हैं। हम समझते हैं हमारे कारण सब कुछ अच्छा हो रहा है, इनके कारण सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। जाति भाव में भी यही होता है ना, एज में भी, यूथ होंगे ना तो आपको लगेगा सारे यूथ राइट हैं और सारे बुज़ुर्गों में प्रॉब्लम है, है ना, और जब वही यूथ बुज़ुर्ग हो जाता है तो समझता है बुज़ुर्ग सारे ठीक हैं, बुज़ुर्गों का लॉजिक राइट है और यूथ में सारी गड़बड़ है, यूथ में प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें चलती हैं। तो बाबा इसीलिए आज हमें कहते हैं कि तुम इन भाव स्वभावों को यदि मर्ज करके और तुम अपने आत्मिक भाव में रहना चाहते हो, अपनी जो स्नेह सम्मान की भावना में रहना चाहते हो, सबके स्नेही बनना चाहते हो, तो क्या करो, प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जब तुम अपने आप को आत्मा समझकर चलेंगे तो तुम्हें सामने वाला भी क्या नज़र आएगा, आत्मा। जैसे आप हैं आपकी दृष्टि वृत्ति वैसी ही होती है, है ना। जैसे डॉक्टर को सब पेशेंट नज़र आते हैं या स्वस्थ नज़र आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से, तो मुझे एक भाई अभी बता रही थी ना क्लास में, कहते हैं कि जब से मेरे बच्चे हुए तो मुझे सब बच्चे बच्चे नज़र आते हैं सारी दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है अच्छा इनके दो बच्चे, इनके आजकल हम बात भी करते हैं ना तो कहते हैं अच्छा वो जो जिनके तीन बच्चे हैं, अच्छा वो जो जिनके जिनके दो बच्चे, अच्छा वो जो इन जिनका पिछले साल वो बच्चा हुआ था, तो सारा रेफरेंस वहीं चला गया है क्योंकि अब हमारी दृष्टि में सिर्फ बच्चे ही घूमते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो आत्मा को जिस चेतना में आत्मा रहती है उसकी दृष्टि वृत्ति भी वैसे ही होती है। और बाबा कहते हैं जब तुम्हारी दृष्टि वृत्ति में आत्मा के सिवाय कुछ और है तो तुम्हें फिर मेरे जैसा नहीं, ये ठीक है, ये मेरे जैसे नहीं है, ये गलत है, ये बातें चलेंगी। और फिर ये भी है एक और चीज़ इसमें समझेंगे, माइंड एसोसिएशन से सोचता है, है ना। तो मानो इस जन्म में भी हम जैसे इस जन्म में भी मानो मैं स्त्री चोले में हूँ, पुरुष चोले में हूँ, कोई एक डिफरेंट आयु में हूँ, जाति में हूँ, कुल में हूँ,
लेकिन ये मेरा एक ही जन्म तो नहीं है ना, कितने सारे जन्म मैं आत्मा लेकर यहाँ पहुँची हूँ। तो हर जन्म में मैंने कई स्मृतियाँ बनाई हैं, है ना, मैंने कई स्मृतियाँ बनाई हैं, और उन स्मृतियों के आधार से भी हमारे भाव स्वभाव इमर्ज होते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा इसमें अनुभव सुनाती हूँ। एक भाई आता था तो मुझे कहता था कि दीदी आप लोग कैंडल क्यों नहीं जलाते सेंटर पे। तो मैंने उसको कहा क्यों, तो कहते कि नहीं कैंडल जलने से ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप थी। फिर मुझे कहता है एक्चुअली मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता था, क्योंकि मैं तो एक हिंदू घर में पैदा हुआ, तो हमारा कल्चर में मैंने कभी घर में दिए के अलावा कुछ जलता नहीं देखा। मतलब हमेशा दीपावली हो या मंदिर में भी हो तो दिए ही जलते हैं, लेकिन मैं जब भी कहीं पे कैंडल जलते देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर वही होता है जहाँ कैंडल जलते हैं। तो जहाँ भी कैंडल जलते हैं मेरी भावना एकदम से ऐसी हो जाती है, ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है। तो मैं फिर मुझे कहता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हिंदुइज्म में तो यही मानते हैं कि शुभ तो दिए होते हैं, तो फिर मुझे कैंडल के साथ ऐसा भावना क्यों आती है। तो आप देखो कि आत्मा अगर पिछले जन्मों में किसी ऐसे धर्म में रही है जहाँ कैंडल्स का बहुत प्रभुत्व है ना, तो उसके जो शुभ वायुमंडल की जो छवि है वो भी कैंडल के साथ जुड़ी हुई है। भले ही इस जन्म में उसने इतनी भक्ति नहीं भी की है, लेकिन उसकी वो स्मृति भी इमर्ज होती है। तो बाबा कहते हैं कि हर दृश्य, हर वायुमंडल, हर शब्द, हर प्रकार का गठन, सब कुछ, क्योंकि हम इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं ना, तो हमारी हर प्रकार की परिस्थिति, हर दृश्य, हर शब्द के साथ एक एसोसिएशन है अंदर, हमारे चित्त में कोई ना कोई छाप पड़ी हुई है। और जैसे ही हम उस पर ध्यान दे देंगे तो हमारा वो भाव स्वभाव इमर्ज हो जाएगा। जैसे कई बार व्यक्ति कहता है जब बादल होते हैं ना तो मुझे घबराहट होती है, कई कहते हैं जब बादल होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो कईयों को बादलों के दिन में घबराहट होती है, कई को बादलों के दिन में कुछ और फील होता है। तो ये सारा क्या है, जो हमारी स्मृति पटल पे है, जो हमने पिछले इतनी लंबी यात्रा में जैसे जैसे समय में हम रहे हैं और जिस जिस मौसम में जिस प्रकार के हमने स्मृतियाँ बनाई हैं, उस आधार से हमारे अंदर वो स्मृतियाँ इमर्ज होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अगर तुम देह को देखोगे, आत्मा के सिवाय तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा ध्यान कहीं भी जाएगा तो तुम्हारे स्मृति पटल से कोई ना कोई भाव स्वभाव इमर्ज हो ही जाएगा। इसीलिए तुम्हें और कुछ दिखाई ना दे और तुम्हारी जो दृष्टि वृत्ति है उसमें सिर्फ सम्मान स्नेह रहे, उसके लिए परहेज बहुत रखनी पड़ेगी कि मैं आत्मा हूँ इसका पक्का अभ्यास करना है। क्योंकि अगर मेरे अंदर ये एक ही पक्की स्मृति है कि मैं सिर्फ एक ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ, तो फिर किसी भी दृश्य को देखते, कहीं भी रहते, मेरा ध्यान कहाँ जाएगा, आत्मा पर। और आत्मा को देखते ही मेरे अंदर जो भावना है वो स्नेह सम्मान की इमर्ज हो जाएगी, और जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से दूसरों का भी स्नेह सम्मान हमें प्राप्त होगा और इस दुनिया में हार्मनी आएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मैं कौन इसका अभ्यास करना है। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मैं किसका, है ना, क्योंकि दुनिया में तो यही समझते हैं कि हमारे जो देह के संबंध हैं वो सत्य है ना। हम समझते हैं कि ये मेरे मात पिता हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे युगल है ना। तो हम क्या समझते हैं, हम अपने मात पिता बच्चों के युगल के हैं, और हमारा जो सब कुछ है वो उनका है ना, वो उनको बिलोंग करता है। हमें मोरालिटी यही सिखाती है कि हमारा सब कुछ हमारे
मात पिता का, बच्चों का। फिर मात पिता में भी देखो कन्या की मोरालिटी क्या कहेगी कि तुम्हारा जो है, कन्याओं को ना बिठा कर बोलते हैं, जैसे जैसे वो 16-17 साल की हो जाती है ना, तो कहते हैं तुम्हारी जैसे शादी हो जाएगी ना, तुम मैके के चक्कर में नहीं रहना, तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाना और यहाँ से चलते बनना, और यहाँ मुड़ के नहीं देखना, है ना। यहाँ जो भी होता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारा घर है, तुम उसको बसाना। अगर इसके दोनों के चक्कर में रहोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, है ना। तो कन्या को सिखाएंगे कि तुम्हारा सब कुछ किसका है, ससुराल वालों का है ना। और कन्या को सिखा, और माता पिता को भी क्या शिक्षा देते हैं कि कन्या का सब कुछ तुम्हारा नहीं है ना, कन्या पराया धन है ना। कन्या को भी बताएंगे तुम पराया धन हो, उसको भी, माता पिता को भी बताएंगे कन्या पराया धन है। अब बच्चे के लिए कहेंगे बच्चा तुम्हारा है, और बच्चे को क्या कहेंगे, तुम्हारा सब कुछ मात पिता का है ना, तुम्हारी जिम्मेवारी मात पिता, मात पिता तुम्हारी जिम्मेवारी उठाएंगे और तुम मात पिता की जिम्मेवारी उठाओगे, है ना। बेटे को ऐसे छी छी भी करेंगे अगर वो मात पिता की जिम्मेवारी नहीं उठाएगा, है ना। तो दुनिया में मोरालिटी इस प्रकार से बनाई गई है। देखो जो भी द्वापर युग से जैसे जैसे आत्मा दुखी होने लगी, तो उसने भी समाज में कुछ नियम बनाए ना, जो जिसको हम आज मानते हैं, चलते हैं मोरालिटी के हिसाब से। तो बाबा कहते हैं कि ये सिखाया जाता है कि चलो कन्या की जिम्मेवारी जो है वो ससुराल की है, और भाइयों की जिम्मेवारी, बच्चे की जिम्मेवारी है माँ बाप की। इसीलिए आज बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं ना कि अगर बच्चा नहीं होता, है ना, बेटियाँ होंगी तो फिर क्या कहेंगे, है ना, कि बेटा तो होना ही चाहिए। तो कभी कभी तो 11-12 लड़कियाँ हो जाती हैं, उसके बाद बेटा आएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, पराया धन है, एक एक को निकाल देंगे, फिर बेटा है ना, बेटा संभालेगा। तो इस प्रकार से चलता है। मुझे याद है एक एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग अनुभव मेरे आंखों के सामने की बात है, कि एक भाई ने ना मकान बनाया, तो उसकी दो बेटियां थी। तो जब उसने मकान बनाया, उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो जो उसके दोस्त आए, मित्र आए, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे कितने बेटे हैं, तो उसने कहा मेरा तो बेटा नहीं है। तो कहते फिर मकान का क्या करेगा, है ना। तो फिर वो जैसे ना कि तुम्हारे मकान में रहेगा कौन, है ना, तो बेटियां तो निकल जाएंगी, बेटियां तो पराया धन है ना, तो वो निकल जाएंगी, तो तुम्हारा मकान किस काम आएगा। तो वो जो भाई था ना, उसकी सारी खुशी गायब हो गई। उसने कितना लाखों रुपया खर्च करके मकान बनाया था, उसकी सारी खुशी खत्म हो गई कि हाय सच में मेरा तो मकान बनाना वेस्ट हो गया। तो ये मोरालिटी ऐसी होती है कि बुद्धि में ये सारी बातें डाल दी जाती है ना। फिर जैसे शादी होती है तो कहेंगे तुम्हारा तन जो है वो किसका है, तुम्हारे युगल का है ना। ये बात भी हमारी बुद्धि में डाल दी जाती है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे युगल का है और उस पर अधिकार है ना। आज कई देशों में, मेजॉरिटी देशों में तो अगर शरीर पर यातना, है ना, युगल करते हैं तो उसमें कोर्ट भी इंटरफियर नहीं करते, है ना, क्योंकि तुम्हारा शरीर प्रॉपर्टी है तुम्हारे युगल की। तो ये भी हमें एक बुद्धि में डाल दिया जाता है। फिर तुम्हारा जो मन है वो भी तुम्हारे जो ये खून के रिश्ते हैं उनकी प्रॉपर्टी है। और जैसे धन की बात आती है तो धन पर बच्चे का पूरा हक है ना। कहेंगे ये सब कुछ तो इसी का है, जैसे ही पैदा होगा तो एक ही बात चलेगी कि ये सब कुछ इसका है। लेकिन बाबा कहते हैं मान लो तुमने सब कुछ भी ठीक किया, मान लो तुमने अपना शरीर भी पूरा युगल को सौंप दिया, मन भी दे दिया, है ना, सारा जीवन जो है वो सिर्फ घर वालों की चिंता में बिता दिया, मात पिता का भी ध्यान रखा, और मानो धन भी सारा बच्चे को सौंप दिया, तो भी क्या तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी क्या? है ना, तो भी तुम्हें वर्षा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया तो यही करती आई है, नहीं करती आई है क्या? लेकिन सब कुछ करते हुए भी क्या हाल है आज? आज हर आत्मा दुखी है, अशांत है, पतित है ना।
आज कलयुग घोर कलयुग बनता जा रहा है, तो हर आत्मा तो अपना सर्वस्व, अपना तन मन धन अपने संबंधियों को सौंपती चली आ रही है, फिर दुनिया की ये हालत क्यों है? तो बाबा हमें कहते हैं कि ये ऐसे तुम्हें वर्षा नहीं मिलेगा, तुम अपने संबंधियों पर बलिहार भी जाओगे ना तो वो तुम्हें वर्षा नहीं दे सकते। वर्षा सुख शांति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की जो सृष्टि तुम चाहते हो, इन कर्मों से तुम्हें नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाती हूँ। एक माता आती थी ज्ञान में, तो जैसे ज्ञान में आई तो पवित्र पवित्रता के लिए झगड़े हुए और घर में बातें हुई, तो युगल ने बहुत मारा, तो फिर बहुत समय तक हिम्मत दिखाई, उसके बाद धीरे धीरे हिम्मत क्या होती है, टूट गई। फिर हिम्मत तोड़ने के बाद उसने एक दिन, है ना, देह अभिमान में आके, ये भी देह अभिमान होता है, मैं शब्द को बहुत स्पेसिफिकली यूज़ कर रही हूँ, उसने युगल को बोला चलो आपके हिसाब से चलेंगे, आज से कहीं नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, है ना, तो जैसा आप कहेंगे वैसे चलेंगे। तो युगल, फिर युगल का एक दोस्त था, उसने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड पसंद करता है कि तुम उसके साथ शराब पियो, पार्टी में जाओ, है ना, और जीवन को एन्जॉय करो। तो उसने कहा जो ये कहेंगे वैसे करेंगे, है ना, लेकिन मैं तो बहुत दुखी परेशान थी, तब मैं सेंटर गई थी, लेकिन क्या आप ये गारंटी देते हैं मैं ये सब करूँगी तो इनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, ये मुझसे प्यार से स्नेह से रहना शुरू कर देंगे? तो कहते क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, आप कोशिश तो करके देखो भाभी, आपने कभी किया नहीं ना। तो फिर उस माता ने क्या किया, 3 वर्ष तक जैसा युगल ने कहा, उठो बैठो खड़े हो शराब पियो पार्टी करो, सब कुछ किया, लेकिन पति के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया। है ना, जो वो सोचती थी कि घर गृहस्थ सुखी शांत हो जाएगा, सारा तालमेल बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसका जो संस्कार है वो उसी प्रकार से चला, फिर भी वही कंप्लेंट, वही क्रिटिसिज्म, वही मारपीट रही। और उस सब के बाद जब वो माता आधी डिप्रेशन में चली गई, तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोला देखो माँ, अभी मैंने सब कुछ करके देख लिया, अभी मुझे एक बात बताओ, या तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ या मैं अपने बारे में सोचूँ। या तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, ये तो मुझे निकाल देंगे, पालना तुम्हें पड़ेगा, तो या तो मुझे डिप्रेशन में चली जाऊं ये अनुमति दो, या मैं सेंटर जाऊं और मैं अपनी यात्रा शुरू करूं ये अनुमति दो। तो माँ ने कहा, और फिर माँ ने कहा ठीक है बेटा, तुझे जो करना है तू कर, मैं पीछे खड़ी रहूंगी। तो फिर से उसने यात्रा शुरू की, है ना। तो ये अनुभव क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि हम सब कुछ सबके हिसाब से करेंगे, दुनिया के हिसाब से करेंगे, तो अगर सब कुछ वैसे करना राइट होता तो हम लोग बहुत सुख शांति संपत्ति के अधिकारी होते, बहुत स्वास्थ्य के अधिकारी होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे तुमने मैं कौन समझा, ऐसे मेरा कौन भी समझो, या मैं किसका भी समझो, मैं किसका हूँ, एक्चुअली मैं किसका हूँ, है ना। तो बाबा कहते तुम हो ही मेरे, मैं तुम्हें कोई अपना बना नहीं रहा हूं, तुम हो ही मेरे, तुम्हारा तन मन धन मेरा है ना, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। और भक्ति मार्ग में भी हमें ये नहीं मालूम था कि शिव बाबा की मत क्या है ना। तो दुनिया में ऐसा जो समझते थे भक्ति मार्ग में भी, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही मुरली में। बाबा कहते हैं, बाप कहते मुझे याद करो तो मैं वर्षा दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि माम एकम याद करो, और कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो। शरीर को तो तब याद करते हैं जब देह अभिमानी बनते हैं, भक्ति मार्ग में भी आत्माएं बाप को याद करती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी भले ही हमें बाबा कौन है नहीं मालूम होता, तो हम उसके अनेक चित्र बनाते हैं,
हमें ये नहीं मालूम होता कि भगवान क्या कहते हैं, लेकिन उसकी मत पर जो हमें शास्त्र बताते हैं चलने की कोशिश करते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में भी जब सतोप्रधान भक्ति होती है, आज से मैं बताऊँ 50 वर्ष पहले भी मेरा बच्चा कहना सब नहीं कहते थे, कहते थे भगवान के दिए हुए हैं, है ना, कहते थे भगवान के बच्चे हैं। तो ये भाषा थी भारत देश में, आज से 50 वर्ष पहले भी बोलचाल की भाषा में कहते थे ये भगवान के बच्चे हैं, मेरे बच्चे, मेरा युगल, ये भाषा नहीं होती थी, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो मेरा मेरा आज इतना हो गया, देहधारियों के प्रति अपनी जीवन समर्पण हो गई, ऐसा नहीं था। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य बाबा को जानते नहीं थे, श्रीमत को जानते नहीं थे, सत्य को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी अपना समय किस में लगाते थे, भजन कीर्तन में लगाते थे, कुछ ना कुछ चैंटिंग करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन भगवान को याद करने की कोशिश करते थे, अपना तन मन धन लगाकर मंदिर बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि उनको मालूम था ये उसका है और उसके प्रति यूज होना चाहिए, धर्म के कार्य में यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा को कहीं ना कहीं महसूसता थी कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है, हालांकि उसको पहचान नहीं थी। लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी तो धीरे धीरे देह अभिमान इतना बढ़ गया कि आत्मा को लगता है कि मैं इनकी हूँ और ये मेरे हैं और मेरा सारा कल्याण इन्हीं से होने वाला है। लेकिन बाबा कहते हैं ये तुम्हें कोई वर्षा नहीं देंगे, है ना। भले ही बाबा कहते हैं कि तुम्हारी कर्म बंधन है, तुम्हें जिम्मेवारी तो उठानी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है ना कि छोटे बच्चे को रोता छोड़ के चले जाएंगे। तो वो तो जो बच्चे जो रचना रची है उसकी पालना तो करनी है, क्योंकि वो भी कर्म की गति अनुसार हमारे कर्म बंधन है, हमारी रचना है। लेकिन बाबा कहते उसमें भी मोहजीत होके चलना है, उसमें भी आत्मा की रूहानी जिस्मानी दोनों पालना करनी है और ये समझ कर चलना है कि वास्तव में मैं आत्मा एक शिव बाबा की हूँ और मेरा सर्वस्व शिव बाबा का है। और अब तो हमें शिव बाबा की डायरेक्ट श्रीमत मिल रही है कि विश्व कल्याण अर्थ अपना तन मन धन बलिहार करो, है ना। एक बाबा की याद से मनसा शक्तिशाली बनाओ, एक बाबा की श्रीमत से तन पवित्र बनाओ और एक बाबा की सेवा में श्रीमत पर अपना सारा धन सफल करो। बाबा कहते हैं तीन पैर पृथ्वी के लो, है ना, हर आत्मा अपने समर्थ अनुसार। ये नहीं कि मेरी इच्छा ये है या लोभ मेरा इतना धन में है कि मैं इतना ही करूँगा, नहीं, जो भी तुम्हारे पास है उसको विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ, बाबा कहते हैं। क्योंकि ये जो सेंटर्स हैं बाबा के, इसी से ही अंधी आत्मा को रास्ता मिलेगा, अंधों को लाठी मिलेगी और यहीं से विश्व कल्याण होगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सेंटर्स की स्थापना, सेंटर्स के कार्य के लिए अपना संपूर्ण तन मन धन बलिहार करो। और बाबा कहते हैं जब तुम ऐसे श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हें वर्षा मिलेगा। तुम जिसके हो, जो तुम्हारा है, उसके प्रति लॉयल्टी दिखाओगे, उसके प्रति बलिहार जाओगे तो तुम्हें वर्षा मिलेगा। क्योंकि सही जगह बलिहार जाओगे तो उसका एवजा मिलेगा। जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम जिसके हो ही नहीं, वहाँ बलिहार जाओगे भी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा दुख के सिवाय, है ना। आज क्या हो रहा है कि इतना पाल पोस के बच्चों को बड़ा करते हैं, लेकिन आज कोई बच्चा किसी माता पिता को खाना नहीं खिलाता या उसकी संभाल नहीं करता। अभी मुझे एक माता पीछे कहती थी कि दीदी देखो हमारी जेनरेशन तो ऐसी है ना कि मैंने सास को भी टेबल पे बिठा के भोजन कराया और बहू को भी कराया। मुझे कहती थी कि जब मैं बहू थी तो जमाना ये कहता था कि सास की सेवा करो, और जब मैं सास बनी तो अभी दुनिया ऐसी हो गई है कि लोग कहते बहू की सेवा करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं तो कभी टेबल पे बैठ के खाई नहीं, मैंने सास को भी टेबल पे परोस के दिया और बहू को भी टेबल पे परोस के दिया। तो मैंने उनको कहा चलो भाई बैठ जाओ, मैं आपको परोस देती हूँ, इतना दुख क्यों उठाना है कि किसी ने परोसा नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो समय ऐसा आ गया कि अभी तुम सोचोगे कि ये जो मोरालिटी पे चल के तुम्हें कोई सुख मिलना है
तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे और कुछ नहीं होगा। वैसे भी दुनिया में, बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि वैसे भी दुनिया में जो भी कुछ करते हैं, है ना, जैसे इंश्योरेंस करते हैं या विल बनाते हैं, तो उस सब का एवज़ा किसको मिलता है? जीने वालों को, जाने वाले को नहीं मिलता है ना। तो बाबा कहते लेकिन जो पुण्य कर्म होता है, जो आत्मा जीते जी करती है, जो दान पुण्य करती है, उसका एवज़ा उसको खुद को मिलता है। और बाबा कहते हैं ये जो यथार्थ पुण्य कर्म मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हें सचमुच किस कार्य में लगाना है, तुम कौन हो, किसके हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व कल्याण के द्वारा। और बाबा कहते हैं उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बलिहार जाना है। बाबा कहते हैं भक्ति में तो बलिहार जाते हैं, शरीर का सुइसाइड करते हैं, लेकिन शरीर के सुइसाइड से किसी का आगे का भविष्य फिक्स नहीं होता। लेकिन जीते जी अभी बुद्धि के बल से जब तुम विलिंगली अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में, विश्व कल्याण में लगाते हो, तो तुम्हें इसका एवज़ा एक्यूरेट 21 जन्म मिलता है ना। और फिर बाबा एक वार्निंग भी देते हैं। क्या वार्निंग देते हैं? कई ऐसे हैं जो समझ भी जाते हैं पर कल कल करते काल खा जाता है ना। कई ऐसे हैं जो समझ भी जाते हैं, समझ में भी आ गया है कि यही सत्य है, यही करना है, लेकिन कल करेंगे में काल खा जाता है ना। तो काल जब खा जाता है तो वतन में जब भोग लगता है तो जाते हैं और कहते करना तो था पर किए नहीं, मर गए, है ना। तो बाबा कहेंगे कि अरे करना था तो कर देना था ना, फिर अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो तुम्हारा जमा नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कल नहीं आज करना है, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है ना। मुझे याद है, देखो ये तो देह अभिमान में जब हम होते हैं तो पता नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये यूथ है, कोई 40 की एज में, 50 की एज में, वो सोचता है मैं अभी थोड़ी मरूंगा। लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं कई बार उनको ये भान होता है। तो मुझे याद है एक बार एक भाई कुछ यज्ञ के लिए लेकर आए, तो वो मुझे कहते हैं इसको ना कल ही बैंक में डलवा देना दीदी, है ना, जैसे ही सुबह बैंक खुले ना डलवा देना, क्योंकि क्या है ना आयु ऐसी है, कहीं मर गए और साइन मिसमैच हो गया तो दोबारा सिग्नेचर भी नहीं कर सकते। तो मुझे कहते इसको चेक को ना कल ही बैंक में डलवा देना। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते नहीं, मैं मजाक की बात और है दीदी, लेकिन ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कल सुबह डलवा देना। तो मैंने कहा ठीक है ना। तो ये भी क्या है कि बाबा कहते हैं कि हर चीज़ में ये समझ होनी चाहिए कि आज आज कल करते, ऐसा ना हो कि काल खा जाए और वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाए। तो इसमें एक बहुत अच्छी कहानी भी आती है। एक बार एक साधु ने एक व्यक्ति को कहा कि जैसे आज बाबा कहते हैं ना कि शुभ कर्म जो है वो मरने से पहले कर लो, है ना। तो उसने कहा शुभ कर्म जो है वो मरने से पहले करना है। तो उस व्यक्ति ने कहा फिर कब करना है? तो बोले मरने से पहले। तो बोला मरने से पहले मतलब कब मरेंगे? तो बोले वो तो कभी भी हो सकता है ना, तो आज ही करना पड़ेगा, है ना। तो हर कर्म जो है, अभी तक तो हमें शुभ कर्म नहीं आते थे, सिर्फ देह अभिमान के वश कर्म आते थे। शुभ कर्म माना सत्य कर्म, जो कर्म आत्मा को वास्तव में करने चाहिए, आत्मा के जो कर्तव्य हैं। और आत्मा का कर्तव्य क्या है कि वो अपना तन मन धन स्वाहा करके विश्व कल्याण भी करे और अपना भाग्य भी बनाए। तो बाबा कहते हैं ये जो शुभ कर्म है ये कल पे नहीं टालना, आज कर लेना, है ना। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि जो जिसके पास उमंग उत्साह के पंख है उसे सफलता सहज प्राप्त होती है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लगातार करेंगे, है ना, कंसिस्टेंट होंगे, तो उसमें सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम बीच में हार मान लेते हैं, उमंग उत्साह खो देते हैं। और उमंग उत्साह दुनिया में अगर आप रिसर्च करेंगे ना
तो कहते हैं उमंग उत्साह मिलता है जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, अवार्ड मिलते हैं, प्रमोशन मिलती है, पैसा मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं आज आप कोई भी कर्म करें तो आपको ये सब कुछ मिले। और अगर मिलता भी है तो भी उमंग उत्साह बना रहे ज़रूरी नहीं। ऐसे बहुत हैं जिनको बहुत अवार्ड मिले, फिर अवार्ड मिलने से भी उमंग उत्साह और बढ़ा नहीं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में तो सोचते हैं इन बातों से उमंग उत्साह बढ़ेगा, लेकिन ये बातों के भरोसे तुम आज बैठ नहीं सकते, क्योंकि आज तो कोई आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या के, है ना, की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, कोई आपको रिकग्नाइज करे, अप्रिशिएट करे, कम होता है। लेकिन बाबा जो है, बाबा सदा हमारे गुण देखते हैं। बाबा रोज़ मुरली में हमें, मैं हम कितने गुणवान, कितने भाग्यवान, कितने शक्तिशाली हैं, ये स्मृति दिलाते हैं, रोज़ स्वमान में स्थित करते हैं। तो बाबा के ही महावाक्यों से हमें यथार्थ उमंग उत्साह मिलता है। और बाबा कहते हैं जब आत्मा ऐसे शिव बाबा के द्वारा उमंग उत्साह से भरपूर रहती है तो उसको कदम कदम पर सफलता मुश्किल नहीं होती। ओके, ओम शांति।